वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप देख पा रहे हैं सोलर पैनल है जो कि 75 वाट्स का है और आप इसमें एक बैटरी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो है, इधर आप देख पाए 75 वाट्स का सोलर पैनल है और इस तरीके से इसमें डायोड लगा के और आप डायरेक्टली बैटरी किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये बैटरी है जो कि एकदम डिस्चार्ज पड़ी थी, तो इसको मैंने इस पर चार्जिंग पर लगाया हुआ है। ये फिलहाल बहुत दिनों से ऐसी पड़ी थी तो ये बिल्कुल डाउन हो चुकी है। 38 AH की बैटरी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड, 38 AH की है, 38 AH बैटरी है। और अब हम इसको आपको बताने किस तरीके से चार्ज करना है, यदि बिल्कुल डीप में हो तो। अगर आपके पास देसी चार्जर है तो आप उससे चार्ज करें, नहीं है तो आप पैनल की हेल्प से किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं एक डीप बैटरी को। तो आप देख पा रहे हैं उधर सोलर पैनल से आपके दो वायर निकलेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, ये आप देख पा माइनस दोस्तों और ये रहा प्लस। तो इसके किस तरीके से क्या है देख पा रहे हैं आप, आपको माइनस वाला इस तरीके से ज्वाइंट करके देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा गंदा है उसको इग्नोर करें। और ये देख पा रहे हैं आप माइनस वाला जो कि हमने बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल पर लगा दिया है, और पॉजिटिव वाले को देखिए ये जो प्लस वाला है स्काई ब्लू कलर का, इसको मैंने डायोड लगाया हुआ इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए डायोड आपको किस तरीके से लगाना है वो भी आपको समझना होगा। और देखिए आपको प्लस माइनस को डायरेक्ट कर देना है और प्लस में जो डायोड लगाना है जिसमें, तो फ्रेंड्स और जिधर ये ब्लैक है उधर आपको सोलर पैनल का पॉजिटिव लगाना है और जिधर सिल्वर पट्टी है उधर आपको बैटरी का पॉजिटिव, जो कि इस तरीके से देखिए वायर ज्वाइंट होकर के इधर ये बैटरी के पॉजिटिव पर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इधर चिमटी के नीचे लिखा हुआ है प्लस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और इधर देखिए मैंने मल्टीमीटर के निगेटिव और पॉजिटिव को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी के वोल्टेजेस आप देख पा रहे हैं 12.98 दिखा रहा है अभी बैटरी जो है। और देखिए धूप भी थोड़ा सा शाम हो गई है तो धूप भी थोड़ा कम है तो थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा इसी वजह से हो रहा है। और पैनल भी देखिए मेरा थोड़ा सा गंदा है इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ और इसमें मैं पानी से अभी धुल के अच्छे से साफ़ करूंगा इसको, तो इसके थोड़े से वोल्टेजेस एम्पियर्स और इंक्रीज होंगे। तो इधर आप देख पा रहे हैं ये 12.95 वोल्ट्स दिखा रहा है और मतलब अगर हम जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी ये वोल्टेजेस अपने आप इंक्रीज होते चले जाएंगे, मतलब कि अभी हम इसको लगा देंगे जैसे कि 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए, 2-3 घंटे में 75 वाट का पैनल है आपकी बैटरी को फुल कर देगा, 38 AH की बैटरी है। इस कंडीशन में आप मगर तभी चार्ज करें जब आपकी बैटरी डीप में हो, और रोज़ इस तरीके से चार्ज ना करें नहीं तो बैटरी की लाइफ हो जाएगी कम, क्योंकि ये बहुत ही हाई चार्जिंग होती है, मतलब कि इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, बस सीधा डायोड की हेल्प से ये चार्जिंग स्टार्ट रहती है इसकी, और ये चार्ज मतलब कि चार्जिंग स्टार्ट रहती है और चार्ज हो जाती है बैटरी और ये अच्छे से बैटरी की ग्रेविटी को उठा देती है। तो इस तरीके से इसके अभी जब आपके वोल्टेज 14-15 वोल्ट मतलब 14 वोल्ट पहुंच जाए, 14.5 मतलब 14.40 ऐसे पहुंच जाए 14 के अराउंड, तो आप बैटरी को हटा लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है कार की है तो कार में लगा दीजिए, या फिर ऐसे यूज करते हैं तो अपने सिस्टम पे लगा करके चलाइए। तो इस तरीके से मतलब कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप अगर कार की बैटरी है, किसी की बैटरी है, बाइक की है, सब बैटरियां इस तरीके से चार्ज हो जाएंगी, बस आपको बैटरी के हिसाब से पैनल को लगाना होगा। मतलब जितने AH की बैटरी है बस उसके जो है दुगने वाटेज का पैनल आपको यूज में लेना है, तो आपकी बैटरी आसानी से बहुत ही जल्द चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से थी मेरी वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।